हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। ये बालवीर रिटर्न का क्रोमा शूट चल रहा है, जिसमें कि देव जोशी हैं और श्रीधर जी हैं और भाई मार हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। क्रोमा शूट में अच्छी बात ये होती है कि आप अंदर स्टूडियो में शूट कर रहे होते हैं, लेकिन वही चैलेंज होता है कि आसपास का जो लोकेशन होना, एनवायरनमेंट होना, उसको फील करते हुए आपको एक्सप्रेशंस देने होते हैं। मार्किंग का खासतौर से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग भी ग्रीन शीट पे ही होती है। मैं आपको ये सीन ओरिजिनली जब सीरियल में आएगा तब कैसा लगेगा वो भी शो करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको सीन। ये आफ्टर इफेक्ट में ट्रीट किया जाता है इसको अच्छे से। बहुत सारे इसके टूल्स होते हैं जिसके थ्रू इसको रब किया जाता है और फिर उसमें सीन्स जोड़ दिए जाते हैं। तो आपको देखने में लगता है कि बिल्कुल अलग ही दुनिया है, जबकि एक्चुअली शूटिंग के टाइम पे ये माहौल होता है। आप देखें, सिर्फ कैमरा है और आसपास पूरा ग्रीन है। ये तीनों करेक्टर हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है जो भी आफ्टर इफेक्ट्स सुपरवाइज़र हैं, वो डायरेक्टर, सब मिल के एक साथ काम करते हैं, ताकि जब एडिटिंग करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, एक एक चीज़ की मार्किंग है, जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो धनुष है, उसको भी कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ताकि वो फ्रेम में अच्छा लगे। अब है क्रोमा शूट, लेकिन मार्किंग यहाँ पर भी है। ये देखिए, ये मैं मॉनिटर साइड से आपको दिखा रहा हूँ। मॉनिटर में देखना है इतना कैप्चर हो रहा है, यही कैमरा शूट कर रहा है, जो पूरा एरिया वो नहीं आ रहा है फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से शूट होता है और एडिट होने के बाद आपको जो दिखता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें देख रहे हैं आप, जो भी पीछे बैकड्रॉप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा बाद में एडिटिंग पे लगाया गया है अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस तरह से। और अब आप जब देखेंगे तो शूट होता है इस तरह से। तो इसमें जब शूट हो रहा है तब देखेंगे आपकी मार्किंग का ध्यान रख रहे हैं एक्टर, और जो कैमरा पर्सन है वो फ्रेम जितना कैप्चर कर रहे हैं वो उसी हिसाब से कर रहे हैं जितना कि बाद में इंसर्ट हो सके। अब यहाँ पे उनको वो इमोशंस के, रिएक्शंस के शॉट बता रहे हैं डायरेक्टर, तो उसको भी वो ध्यान से सुन रहे हैं। ये क्रोमा शूट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।